माफी चाहूंगा, ब्रॉडकास्ट रुक गया था। सभी लोग वापस जुड़ जाएं तो इस मुद्दे पर बात की जाएगी। कैसे हैं आप सब लोग? पवन, स्वाति, प्रेरणा, कमल, सुशील, प्रदीप, लक्ष्मण भाई, सभी लोग जुड़ जाएं तो बात की जाए दोबारा, क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है। लड़ाई तो हम आपकी लड़ रहे हैं, और अगर आपकी लड़ाई लड़ने में ये हमारे ऊपर राजद्रोह लगाते हैं तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। और मैं फिर एक बार कहना चाहूंगा कि अगर इनको लगता है कि मुकदमा दर्ज कर देने से, राजद्रोह हमारे ऊपर लगा देने से हम टूट जाएंगे, हम डर जाएंगे, ये संभव नहीं है। एक बात कान खोलकर समझ लेनी चाहिए सभी लोगों को कि हमें आप 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जेल में बंद कर दोगे, उससे क्या होगा? खत्म हो जाएंगे हम लड़ाई लड़नी छोड़ देंगे उत्तराखंड की जनता के मुद्दों की। मैं एक बार आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि एक बार सभी शेयर करिए आज, क्योंकि मैं जो बातें करना चाहता हूं ये आपसे जुड़ी हुई बातें हैं और आप ही लोगों को तय करना है। शेयर करिए जितना शेयर कर सकते हैं आप लोग, जो भी 10, 5, 20 जो भी एक व्यक्ति शेयर कर सकता है करिए, क्योंकि डरना, थकना, रुकना मना है। मेरी डिक्शनरी में तो नहीं है, मेरी डिक्शनरी में डरना, थकना, रुकना मना है। और लोगों को लगता होगा, कुछ चंद पत्तलकारों को, चाटुकारों को, कि उमेश कुमार के खिलाफ राजद्रोह का मुकदमा हो जाएगा, उमेश कुमार डर जाएंगे, बंद हो जाएंगे, नेस्तनाबूद कर देंगे। ये गलत फहमी कितने सालों से आप लोग पाले हुए हैं, ये गलत फहमी आप लोग मेरी बात सुन लीजिएगा, पत्तलकार और चाटुकार कान खोल के, ये जो गलत फहमी आप लोग सालों से पाले हुए हो ना, 10 साल 15 साल से, कि उमेश कुमार को आप खत्म कर दोगे, उमेश कुमार को नेस्तनाबूद कर दोगे, बहुत बड़ी गलत फहमी है, बहुत बड़ी गलत फहमी है। हमने जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ी है और हम जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ते रहेंगे। एक बार नहीं, आप हमको 10 बार जेल भेजिए, आप हमारे खिलाफ एक राजद्रोह नहीं, आप हमारे खिलाफ 10 राजद्रोह लगाइए। आपको क्या लगता हम डरते हैं? आपको क्या लगता है हम डरते हैं? क्या ये गलत फहमी है कि हमें आप दबा दोगे, कुचल दोगे? आपने पर्वत जन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर, आप मुझे बताइए भाइयों बहनों, मैं आपसे जानना चाहता हूं, उत्तराखंड में कितने मीडिया हाउस हैं जो आपके मुद्दों की बात करते हैं? कितने? 1, 2, 3 पर्वत जन, आपने कहा पर्वत जन के खिलाफ भी मुकदमा लिख दो ताकि पर्वत जन जो है आवाज उठाता है, पर्वत जन को भी कुचल दो। आप राजेश शर्मा को रात को 11 बजे, 4 बजे आप मुकदमा लिखते हो, 4 बजे, 4 बजे मुकदमा लिख के रात को 10 बजे तक आपके बयान भी हो जाते हैं 3 लोगों के, राजद्रोह की धारा भी बढ़ जाती है, राजेश शर्मा गिरफ्तार भी हो जाते हैं। वाह क्या बात है, ऊपर लोगों की हत्याएं हो रही हैं, महिलाओं की हत्याएं हो रही हैं, हैं बलात्कार हो रहे हैं, वो तो आपसे पकड़े नहीं जाते, उन मामलों में तो आपसे कुछ होता नहीं है, हैं? क्वारंटीन सेंटर्स में लोगों की मौत हो गई, उसमें आप कुछ कर नहीं पाए। बदहाल क्वारंटीन केंद्रों में आपने प्रवासियों को तड़पाया, उसमें कुछ नहीं हुआ। उमेश कुमार के खिलाफ मुकदमा जो है वो आप राजद्रोह का लिख दीजिए, क्योंकि हम तो राजद्रोही हैं। शुक्र करो आपने हमें देशद्रोही नहीं बताया। हमारी गलती क्या है? हमारी गलती सिर्फ ये है कि हम लोगों के दुख दर्द को समझते हैं, हम पहाड़ के दुख दर्द को समझते हैं। हमारी गलती यह है कि हम अपना खून पसीना बहाकर सड़कों पर खड़े होकर 4,000 प्रवासियों को वापस उत्तराखंड लेकर आए।
आपसे ये बर्दाश्त नहीं हुआ, आपसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उमेश कुमार सरकार से बड़ा कद कैसे हो गया, उमेश कुमार ने सरकार से बढ़ के आगे कैसे काम कर दिया, उमेश कुमार 4000 लोगों को हवाई जहाज ट्रेन और बसों से कैसे ले आया। आपसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि हमने 3000 लोगों के घरों में पहाड़ में जहां राशन नहीं था, दाना पानी नहीं था उनके पास खाने को, वहां हमने राशन कैसे पहुंचा दिया। आपको यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि हम मुंबई से एम्बुलेंस में किसी बच्चे को देहरादून उत्तराखंड तक कैसे ले आए। आपसे यह बर्दाश्त नहीं हुआ कि आज जो होटेलर भाई हमारे 2 से 3 भाइयों की हम लोग पारिवारिक मदद कर रहे हैं जिनकी मौत हो गई। अभी एक भाई लिख रहे हैं कि देव कोकियाल जी कि आजकल चोर तो प्रवचन देता है, चोर होगा तेरा बाप, समझ गया, तेरा बाप, गौर से सुनना, तू चोर तेरा बाप चोर। मैं कभी बोलता नहीं हूं ऐसा, लेकिन बोल रहा हूं, तेरे बाप की चोरी करी है, तेरे घर में चोरी करी है, साले 2 कौड़ी के घटिया लोग पता नहीं कहां से आ जाते हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं, आपने राजद्रोह हमारे ऊपर किस आधार पर लगाया, क्या राजद्रोह है हमारा? हम सरकार गिराना चाहते थे, हम पे आपने आरोप लगाया कि उमेश कुमार पर्वत जन के साथ और राजेश शर्मा के साथ मिलकर सरकार गिराना चाहते थे। इतनी कमजोर सरकार है, 57 एमएलए की, इतनी कमजोर सरकार है कि 11 कांग्रेस के लोग जो हैं उनके साथ आपके यहां से 24 लोग 25 लोग चले जाते और वहां सरकार बन जाती। इतनी कमजोर सरकार है आपकी कि हम आपकी सरकार खबरें चला के गिरा देते, खबरें चलाने से सरकार गिरती है। तकलीफ खबरें चलाने की नहीं है, तकलीफ है कि ये लोग रोज एक नया मुद्दा क्यों निकाल के ले आते हैं, ये लोग रोज जनता के मुद्दों के लिए क्यों लड़ते हुए दिखते हैं, ये तकलीफ है कि ये लोग सरकार के खिलाफ बोलते क्यों हैं, तकलीफ ये है कि ये बेरोजगारों की लड़ाई क्यों लड़ते हैं, तकलीफ ये है कि ये प्रवासियों की लड़ाई क्यों लड़ते हैं, तकलीफ ये है कि ये ओम प्रकाश के खिलाफ हाईकोर्ट क्यों जाते हैं, तकलीफ ये है कि ये पेड क्वारंटीन में सरकार के खिलाफ हाईकोर्ट क्यों जाते हैं, तकलीफ ये है कि 200 करोड़ रुपए शराब व्यवसायियों के माफ करने के खिलाफ उमेश कुमार कोर्ट क्यों जाता है, तकलीफ ये है। तकलीफ ये नहीं है कि हम खबर चलाते हैं और सरकार गिर जाएगी। आपकी बौखलाहट है ये, आपकी घबराहट है ये। कमाल हो गया है, कमाल। इस राज्य में आतंक मच गया है, अघोषित आपातकाल लगा दिया है। जो आवाज उठाएगा उसकी आवाज कुचल दो, जो बोलेगा उसका सर कुचल दो। खबरें चलाने से सरकार गिरती है, ये मैंने पहली बार सुना है, ये मैं पहली बार सुन रहा हूं कि ये ऐसी आप राजद्रोह का मुकदमा सरकार चलाने से, खबरें चलाने से सरकार गिर जाएगी। क्या आपकी सरकार इतनी कमजोर है? आपकी तकलीफ ये है कि उमेश कुमार को लोग प्यार क्यों करते हैं, आपकी तकलीफ यह है कि सोशल मीडिया पर और जमीन पर उमेश कुमार को समर्थन क्यों मिलता है, आपकी तकलीफ यह है। तकलीफ यह नहीं है कि उमेश कुमार खबरें चलाते हैं, तकलीफ यह है कि उमेश कुमार पर्वजन क्राइम स्टोरी जनता के मुद्दों की बात क्यों करते हैं, जनता के मुद्दे क्यों उठाते हैं, क्यों बेरोजगारों की बात करते हैं, क्यों 108 की बात करते हैं, क्यों बीपीएड वालों की बात करते हैं, क्यों उपनल वालों की बात करते हैं, क्यों बीएड वालों की बात करते हैं। तकलीफ ये है, तकलीफ है हमारे मुद्दों से, तकलीफ हमारे खबर चलाने से नहीं है, तकलीफ है कि हम जिसकी आवाज सुनते हैं उसके साथ खड़े हो जाते हैं, हम जिसका दुख दर्द सुनते हैं हम उसके साथ खड़े हो जाते हैं, ये तकलीफ है। जहां उमेश कुमार को कोई टैग करता है और उमेश कुमार कहता है कि सर देखिए या उमेश जी देखिए, वहां उमेश कुमार पहुंच जाते हैं, ये तकलीफ है। भाइयों बहनों मुझे ये बताइए, आप लोग, इतने सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं, एक पहले तो मैं चाहता हूं कि 814 लोग हैं आप, कम से कम 800 लोग एक एक शेयर जरूर करें,
क्योंकि ये लड़ाई हमारी नहीं है, हम आपकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अगर हमारे हमारी आवाज को चल दी जाएगी तो ये आपकी आवाज को चल दी जाएगी। क्या कब तक आप 20 सालों से आप ये झेल रहे हैं, आप लोग ये झेलना चाहते हैं? आप चाहते हैं कि यही चलता रहे, जो आवाज उठाए उसकी आवाज को चल दी जाए, उत्तराखंड के अंदर जो बोले उसकी आवाज को चल दी जाए, उसके घर रात को 11 बजे पुलिस भेज के उसको गिरफ्तार करा लिया जाए? शिव प्रसाद सेमवाल को एक महीने से आप लोगों ने, आप मुझे बताइए क्या पर्वतजन आपकी आवाज नहीं उठाता? एक महीने से शिव प्रसाद सेमवाल दर दर भटक रहे हैं, अपने को छुपाते फिर रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी। आप लोगों का क्या कर्तव्य है? आप लोग साथ नहीं देंगे क्या? पर्वतजन अपने मुद्दों की बात करता है, पर्वतजन आपके मुद्दों की बात करता है, जो आपके मुद्दों की बात करता है उसका साथ आपको देना पड़ेगा। या फिर कह दो कि हम साथ नहीं दे सकते आपका, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ेंगे और आखिरी दम तक लड़ेंगे, हमारी आवाज को चल नहीं सकता कोई सरकार हो या कोई भी हो। यह लड़ाई जारी थी, यह लड़ाई जारी रहेगी। आप हमसे मुंह फेर लो लेकिन हम आपसे मुंह नहीं फेरेंगे, यह सच है। आप बताइए, आप इतने सारे लोग जुड़े हैं, क्या खबर चलाने पर मानहानि का मुकदमा बनता है या राजद्रोह बनता है? सरकार भी मेरी, पुलिस भी मेरी, सब कुछ मेरा, जो चाहेंगे हम करेंगे। छोटे छोटे बच्चों को बुलाकर कोर्ट कचहरी में धमकाते हो, थानों में बुला बुला के धमकाते हो। कभी आपको लगा कि हम आपकी लड़ाई नहीं लड़ रहे, हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं? एक बार भी लगा आपको लगा कि पर्वतजन का? क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि एक महीने से शिव प्रसाद सेमवाल अपने घर परिवार से दूर, अपने बच्चों से दूर दर दर भटक रहा है, छुप रहा है अलग अलग जगहों पर? आपकी जिम्मेदारी नहीं बनती कि आप शिव प्रसाद सेमवाल का साथ दें, आप पर्वतजन का साथ दें? आपकी खबरें पर्वतजन चलाए, आपके मुद्दों पर लड़े, आपके लिए जाकर सरकारों से लड़े, आपके कारण उनके खिलाफ मुकदमे लिखे जाएं? क्या फर्ज बनता है आप लोगों का? मैं ये सिर्फ जानना चाहता हूं आज। और अगर आप लोगों का कोई फर्ज नहीं है हमारे प्रति, तो आज के बाद मैं कोई लाइव भी नहीं करूंगा। मेरा आपसे वादा है, एक लाइव नहीं करूंगा, एक बार भी आप लोगों से इंटरेक्शन नहीं करूंगा। अपनी लड़ाई तो मैं लड़ लूंगा, अपनी लड़ाई तो मैं लड़ लूंगा, अभी जेल बहुत दूर है सरकार, जेल बहुत दूर है। आपके चंद सलाहकार आपको गलत सलाह देकर, आपको गुमराह कर, आपको गलत जानकारियां उपलब्ध कराकर आपसे ये सब कृत्य कराते हैं। उन चंद सलाहकारों से और चाटुकारों से आपको सावधान होना होगा। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, मुकदमा राजद्रोह का एक बार नहीं, आप 10 बार लगाइए, आपका स्वागत है। पहले भी आपने कई मुकदमे दर्ज करे, हमने आपसे कुछ नहीं कहा, हम तो आज भी कह रहे हैं हमारी लड़ाई मुद्दों की लड़ाई है और ये जारी रहेगी, हम लड़ते रहेंगे, रोक नहीं सकता हमको कोई, ये सच है। मैं तो आप लोगों से जानना चाहता हूं, आप लोग इस समय इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, एक बार आप मुझे जवाब दीजिए, क्या खबर चलाना राजद्रोह है? हमने तथ्यों के आधार पर खबर चलाई है, हमने तथ्यों के आधार पर आरोप लगाए हैं, हमने झूठ नहीं बोला, हमने कुछ कूट रचित और षड्यंत्र नहीं किया आपके खिलाफ। आप अपने आप को बचाने के लिए, आप अपने ऊपर से दाग मिटाने के लिए अगर कहें कि ये सब कूट रचित है और ये सब झूठा है और ये सब ऐसा है वैसा है, तो कहते रहिए, उससे क्या फर्क पड़ता है, कहते रहिए।
लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं आप सब लोगों से कि क्या उत्तराखंड में यही चलता रहेगा कि जो आवाज उठाएंगे उनके खिलाफ आप FIR दर्ज कर दोगे, आप उनके खिलाफ राजद्रोह लगा दोगे, आप उनके खिलाफ, इससे क्या होगा? मैं ये समझना चाहता हूं क्या हो जाएगा, आप हमारी आवाज कुचल दोगे? ये संभव नहीं है। इतिहास गवाह है, जब जब तानाशाही की गई है, जब जब लोगों का शोषण किया गया है, तब तब जनता ने अपनी आवाज बुलंद की है। बस मेरा सिर्फ आप लोगों से यह कहना है कि यह फैसला आप लोगों ने करना है। अभी आप लोग इस समय तकरीबन 1000 लोग जुड़े हुए हैं। मैं चाहता हूं कि एक एक शेयर, दो दो शेयर, मेरा आपसे निवेदन है, अगर आपको, आप हमें पिछले 2 साल से देख रहे हैं, लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं और लड़ाई तो जनता के मुद्दों की हम 12-15 साल से लड़ रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हमारे मुद्दे सही हैं और हम जनता के मुद्दों की बात करते हैं तो हमें आपका समर्थन चाहिए, और आपको लगता है कि हम गलत हैं तो नहीं चाहिए। ये तय आपने करना है, ये तय आपने करना है कि 20 साल से इस राज्य में ये चलता आ रहा है, ये मनमानी सबकी चलती आ रही है कि जो आवाज उठाए उसकी आवाज कुचल दो, जो बोले उसके खिलाफ मुकदमा लगा दो, कोर्ट कचहरी में उलझ जाएगा, आपके खिलाफ बोलना बंद कर देगा। आप लोग इतना समर्थन मुझे सोशल मीडिया पर मुद्दों पर देते हैं, क्या हमारी इस लड़ाई में आप हमें समर्थन नहीं देंगे? मैं ये जानना चाहता हूं आपसे, बताइए, एक बार मुझे जवाब दीजिए कि क्या आप हमारा साथ देंगे या नहीं देंगे। देंगे तो मैं चाहता हूं कि आज आप दो दो शेयर कम से कम इस बात के लिए करें कि हमें फर्जी राजद्रोह के केस में फंसाया जा रहा है, हमारे खिलाफ साजिश की जा रही है, सरकार षड्यंत्र कर रही है, सरकार के चंद सलाहकार चाटुकार षड्यंत्र कर रहे हैं हमारे खिलाफ। सरकार भी मेरी, पुलिस भी मेरी, SIT भी मेरी, जांच भी मैं कराऊंगा। वाह, अरे आप में दम है तो CBI दो ना, CBI दो आप। मैं SIT से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, मैं मांग करता हूं कि CBI जांच कराओ। अगर हम गलत हैं तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, कराओ CBI जांच। नहीं है हिम्मत आपके अंदर CBI जांच देने की? अगर हिम्मत है CBI जांच देने की तो दो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। दो ना, है हिम्मत आप में CBI देने की? नहीं। SIT गठित कर दी, SIT जांच करेगी, मेरी पुलिस, मेरी SIT, मेरी सरकार, हम जांच करेंगे, जरूर होगी जांच। आपके ऊपर से भरोसा उठ चुका है लोगों का। अगर आप चाहते हो कि राजद्रोह की खबरें हमारे खिलाफ छपवा के आप हमें राजद्रोही साबित कर दोगे, ये संभव नहीं है। आप में से कितने लोग सहमत हैं, आप में से कितने लोग सहमत हैं जो इस बात से यह कहते हैं कि हां पूरे मामले की CBI जांच होनी चाहिए, मैं सही कह रहा हूं? कितने लोग सहमत हैं बताइए आप। कितने लोग सहमत हैं? मैं सुनना चाहता हूं और देखना चाहता हूं कि मैं जिस उत्तराखंड के लोगों के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा था, मैं जिन प्रवासियों के लिए दिन रात अपना एक कर रहा था, मैं जिनके लिए मैंने अपना सब कुछ झोंक दिया था, वो लोग मुझसे कितना सहमत हैं, वो मेरा कितना समर्थन करते हैं? अगर मैं गलत लगता हूं आपको
और आपको लगता है मैं गलत काम करता हूं, आपको लगता है कि मेरी सरकार के खिलाफ लड़ाई गलत मुद्दों पर है, तो मत करिए समर्थन। अगर समर्थन करते हैं तो बताइए सीबीआई जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए पूरे प्रकरण की। आप बताइए परवतजन के सेमवाल जी का क्या दोष है, क्या दोष है परवतजन के सेमवाल जी का? यही दोष है कि परवतजन पहाड़ की आवाज है, परवतजन पहाड़ के मुद्दे उठाता है, इसलिए परवतजन को राजद्रोह के मामले में फंसा दिया। राजेश शर्मा का क्या दोष है? सिर्फ ये दोष है कि वो बेबाकी से आपके खिलाफ खबरें छापता है, आपने उसको राजद्रोह में फंसा के रातों रात गिरफ्तार कर लिया। मित्रों एक एक शेयर, आज शेयर रुकना नहीं चाहिए। आज शेयर इसलिए नहीं रुकना चाहिए क्योंकि जो उमेश कुमार आज तक आपके मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा था वो आज फिर एक लड़ाई लड़ रहा है, और ये लड़ाई उमेश कुमार वर्सेस सरकार है, क्योंकि ये लड़ाई सरकार ने छेड़ी है मेरे खिलाफ। तो मैं भी देखना चाहता हूं कि आप में से कितने लोगों का समर्थन है मेरे साथ। कितने लोगों का समर्थन है बताइए। 1200 से 775 पर आ गए आप लोग। अगर हम अपनी लड़ाई भी नहीं लड़ सकेंगे और आप हमें समर्थन नहीं देंगे तो हम कैसे लड़ेंगे? कितने लोग हैं मेरे साथ, कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से बताइए, क्योंकि अब मैं और मित्रों एक बात समझ लेना, उमेश कुमार कमजोर नहीं है, उमेश कुमार रण करना जानता है, याचना नहीं। मैंने कभी अपने जीवन में याचना नहीं की है, और जिस दिन याचना करने की नौबत आएगी उस दिन अपना सर खुद कलम कर दूंगा। जिस दिन मुझे सरकारों के सामने याचना करने की नौबत आएगी उस दिन अपना सर मैं खुद कलम कर दूंगा, अपने हाथ से सर उठा के जियाऊं और हमेशा सर उठा के जीऊंगा, लड़ाई चाहे कितनी बड़ी हो। आप लोग चुप रहेंगे ना, अगर आप लोग चुप रहेंगे ऐसे ही आवाज कुचल दी जाएंगी, जो आवाज आपके लिए उठेगी कुचल दी जाएगी। और जब कुछ कुचली हुई आवाजों को लोग देखेंगे तो फिर कोई दूसरा आवाज नहीं उठाएगा। अगर आप सहमत हैं मेरी बात से तो आइए अपना अपना विरोध जताइए, और मैं भी देखना चाहता हूं, क्योंकि मैंने अभी आपसे कुछ दिन पहले पूछा था कि कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं जो जनहित की बात करते हैं और जेल जाने के लिए तैयार हैं। 2000 लोगों ने मुझे कहा था, मैं आज देखना चाहता हूं वो 2000 लोग कहां हैं। ये लाइव सिर्फ मैंने इसलिए किया है कि मैं देखना चाहता हूं कि जो लोग मेरे साथ इतने बड़े बड़े मुद्दों पर लड़ाई लड़ रहे थे वो कहां हैं। हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, एक बार आप कह दीजिए, आप कह दीजिए कि जेल जाइए, हम जेल चले जाएंगे, और आप कहिए लड़ाई लड़नी है, हम लड़ाई लड़ेंगे, फैसला आप करेंगे, तय आप करेंगे।
और अगर आप चाहते हैं कि जनता के मुद्दों की जो लड़ाई हमने जो हमने अलख जलाई थी वो अलख जली रहे, वो मशाल जली रहे, जनहित के मुद्दों की लड़ाई लड़ी जाए, लगातार लड़ते रहें, तो आपको समर्थन देना होगा। और आज मैं जरूर देखूंगा, आज तक मैंने कभी नहीं देखा था, पर मैं आज जरूर देखूंगा कि किस किस व्यक्ति ने कितने कितने शेयर किए, ताकि पता लगे मुझे भी कौन हमारे साथ है, हमारे मुद्दों में जो हमारे साथ बात करते हैं, उत्तराखंड के जनहित के मुद्दों की जो बात करते हैं, बेरोजगारी की, शिक्षकों की जो बात करते हैं, उत्पीड़न की जो बात करते हैं, पहाड़ की, उनके अंदर कितना जज्बा है पहाड़ की लड़ाई का, मैं ये देखना चाहता हूं। राजद्रोह कमाल हो गया यार, कमाल हो गया। कौन सी आईपीसी लिख रहे हो? आपको षड्यंत्र की बू नहीं आती कि जितने लोग आवाज उठाने वाले थे, क्राइम स्टोरी, पर्वतजन, उमेश कुमार, सबको एक मुकदमे में लपेट दिया? क्या आपको षड्यंत्र की बू नहीं आती है पूरे मामले से? आप लोगों की राय जानना चाहता हूं। क्या षड्यंत्र की बू नहीं आती कि पर्वतजन लगातार जनता के मुद्दों की बात उठाता था, उमेश कुमार जनता के मुद्दों की बात उठाते थे, उमेश कुमार प्रवासियों की लड़ाई लड़ते थे, उमेश कुमार हाई कोर्ट जाते थे, उमेश कुमार हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ने को तैयार थे, राजेश शर्मा हर मुद्दे पर लड़ाई लड़ने को तैयार थे, तीनों को एक मामले में लपेट दिया राजद्रोह, तीनों को? यह षड्यंत्र नहीं दिखता आप लोगों को कि यह षड्यंत्र है? मित्रों, मैं अब यह लाइव खत्म कर रहा हूं और मेरा आपसे निवेदन है, अगर आप हमारी बातों से सहमत हैं और आपको लगता है कि हमारे साथ गलत हो रहा है, आपको लगता है कि हम जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे थे, पर्वतजन, क्राइम स्टोरी, उमेश कुमार, हम आपके मुद्दों के लिए हाईकोर्ट जा रहे थे, पीआईएल डाल रहे थे, अगर आप हमसे सहमत हो तो मेरा लाइव खत्म करने के बाद मैं चाहता हूं कि हर व्यक्ति जो जो मुझे जुड़ा हुआ है, जो देख रहा है, कम से कम दो दो शेयर जरूर करे, ताकि लोगों को पता लगे कि राजद्रोह की धारा कैसे लगाई जाती है, इनको भी पता लगे कि हम अकेले नहीं है, हमारे साथ एक अपार समूह है, हमारे साथ उत्तराखंड की जनता है। ये मामला अब उमेश कुमार वर्सेस सरकार नहीं हो गया, अब ये हो गया है जनता वर्सेस सरकार, उत्तराखंड की जनता वर्सेस सरकार है। आप सोशल मीडिया पर कम से कम अपनी अपने आपकी जो सोच है, आपको जो लगता है, आपकी जो राय है, उसको प्रकट करें और कम से कम ये पता लगे हमें कि हम सही हैं या गलत हैं। अगर उत्तराखंड के मुद्दों की लड़ाई लड़ना गलत है तो हम नहीं लड़ेंगे आगे से, क्योंकि हमें शौक नहीं है अपने ऊपर राजद्रोह लगवाने का, हमें शौक नहीं है अपने ऊपर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज कराने का। हम क्यों लड़ें आपकी लड़ाई, क्यों लड़ें आपकी लड़ाई? इसलिए लड़े कि हमारे ऊपर राजद्रोह का केस हो जाए और हमें आपका समर्थन भी ना मिले? बताइए आप, मैं आपसे पूछता हूं। आप बताइए कि पर्वतजन, सेमवाल जी, उमेश कुमार, राजेश शर्मा आपकी लड़ाई क्यों लड़ें? आपकी लड़ाई इसलिए लड़ें कि हमारे ऊपर राजद्रोह के मुकदमे दर्ज कर दिए जाएं और उसके बाद हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर दिए जाएं, हमें नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर ली जाए और हमें आपका समर्थन भी ना मिले? किस लिए? बताइए। बताइए मुझे
मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं, ये आज मेरा किसी मुद्दे पे मैं लाइव नहीं कर रहा, मेरा संवाद है आपके साथ, ये मेरा आपसे संवाद है। और मैं जानना चाहता हूं कि मेरी गलतफहमी तो नहीं थी कि मुझे लगता था कि उत्तराखंड की जनता मेरे साथ है और मैं इस सही मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा हूं। मुझे गलतफहमी थी कि मैं अपने प्रवासी भाई बहनों को मध्य प्रदेश, चंडीगढ़, हरियाणा, गोवा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, चेन्नई से वापस उत्तराखंड ले आऊंगा हवाई जहाज, ट्रेन, बसों से। मुझे गलतफहमी थी कि क्या मैं 3,000 घरों तक दुर्गम क्षेत्र में पहाड़ों के राशन पहुंचा दूंगा तो मुझे लगेगा कि मैं उत्तराखंड के जनता के साथ हूं। और आज क्या मुझे ये लगना चाहिए कि जनता मेरे साथ नहीं है? और ये सब मैं बोल नहीं रहा हूं, ये वो सब है जो आपने देखा है, जो मैंने किया है। तो मित्रों, मैं लाइव खत्म कर रहा हूं और मेरा निवेदन है, जो लोग मेरी बात से सहमत हो और जिनको लगता है कि ये लड़ाई आज उत्तराखंड सरकार वर्सेस जनता है, ये जनता वर्सेस सरकार की लड़ाई है, तो एक एक शेयर, दो दो शेयर जरूर करिएगा ताकि सब तक ये बात पहुंचे कि आज हम लोगों का शोषण किस तरीके से सरकार कर रही है, किस तरह हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, कैसे हमारे खिलाफ षड्यंत्र करके राजद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। जय उत्तराखंड।